हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोस्टिंग रिव्यू में। दोस्तों अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूँ गांव की गर्मी सीजन 3 का पार्ट 1। ठीक है, तुम्हें इसमें यही बताने वाला हूँ कि क्या अच्छा था और क्या बुरा देखने को मिला। यानी कि ये वीडियो पूरा रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि ये वेब सीरीज देखने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल के दहलीज पर पहली बार कदम रखे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल घंटी को कर लीजिए प्रेस। कुछ भी पूछना हो बताना हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जो है मैं जरूर ही देता हूँ। ठीक है, तो यार मुझे ना उतना खास नहीं लगा यार इसमें। तो एक तो है, देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि गाँव की गर्मी सीजन 3 पार्ट 1 में 4 एपिसोड दिया गया है। ठीक है, ईच एंड एवरी एपिसोड की बात करूं तो 90 से 20, यानी कि 19-20 मिनट के बीच में रखा गया है। पूरे 1.5 घंटा का ये वेब सीरीज हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन लीड रोल में काम कर रही हैं, यानी कि माही कौर जो मेन लीड रोल में काम कर रही हैं, उनके साथ चारों एपिसोड में कहीं भी अच्छा खासा वाला सीन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये हम लोग को मतलब कि उल्लू वाले जो हैं वो उल्लू बना देते हैं कि जो मेन लीड रोल में रखते हैं उन्हीं के साथ, और जो माही कौर के मतलब के फैन है उन्हीं के साथ आदमी देखने के लिए किसके साथ आता है, यानी कि माही कौर को देखने के लिए ही आया है, मतलब देखने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनके साथ ही उतना सीन देखने को नहीं मिलता है। यानी कि उसके जो हस्बैंड रहते हैं पैरालाइज्ड रहते हैं कि क्या बीमार रहते हैं, तो उसके हस्बैंड के साथ उतना बनता नहीं है, यानी कि वो काम नहीं करते हैं, तो वो मतलब कि असंतुष्ट रहती है। तो एक सूर्यम भानु साहब जो है, जो भानु साहब जो है वो भी मतलब कि आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं, उनके साथ उतना सीन मिलता ही नहीं है। मतलब कि पार्ट 1 में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन पार्ट 2 में देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो जेठ जी के साथ, एक जेठ भी हैं इसमें, तो उनके साथ एक जगह सीन देखने को मिल जाता है। उसके बाद दो एक्ट्रेस और भी हैं इसमें, माही कौर के साथ दो एक्ट्रेस और भी हैं, तो दोनों एक्ट्रेस जो हैं उनके साथ भानु सूर्यम जो है वो मतलब कि अपना प्यास बुझाते हैं और उधर काम करते रहते हैं, यानी कि एज ए गर्लफ्रेंड के रूप में रखे रहते हैं, दो दो गर्लफ्रेंडों को रखे रहते हैं, हम गर्लफ्रेंड है। तो उन दोनों के साथ मतलब कि देखिए 4 एपिसोड है, एक एपिसोड में तो मतलब कि ऐसा ही बातें विचार इंट्रोडक्शन है में खत्म हो जाता है। बचा 3 एपिसोड, तो 3 एपिसोड में दूसरा एपिसोड में जेठ जी के साथ माही कौर के साथ देखने को थोड़ा सा मिल जाता है सीन। फिर आपको 3rd एपिसोड में उसके साथ, पहले शुरुआत में तो देखने को थोड़ा सा मिलता ही है ताकि लोगों को मतलब कि क्या बने कि हाइप बन जाए, बन जाए कि पूरा वेब सीरीज लोग देख ले, इसके लिए मतलब थोड़ा सा भानु सूर्यम और उनका गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा दिखा दिया गया, उसके बाद स्टोरी चालू हो जाती है। उसके बाद मतलब कि 3rd एपिसोड में क्या होता है कि फिर जो पहला एपिसोड में थोड़ा सा भानु सूर्यम और उसके गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया गया रहता है उसी के साथ थोड़ा सा सीन दिखा दिया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट के एंड तक आप लोग को दूसरी जो गर्लफ्रेंड आई रहती है, यानी कि जो न्यू एक्ट्रेस कास्ट की गई है इस वेब सीरीज में, एक खूबी बात यही है कि मतलब कि न्यू एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा। बाकी बुरा जो भी है सारा चीज मेरा गर्क कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि आप लोग टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कतई कि ये वेब सीरीज मतलब कि जाकर देखिए, या फिर क्या बोले आगे क्या बोले यार। मुझे उतना मतलब कि डिसअपॉइंट मिल गया गाँव की गर्मी सीजन 3 जो पहले वेब सीरीज आती थी उसमें कितना सारा सीन हम लोग को देखने को मिलता था, आप लोग ही देखे होंगे तो आप लोग ही अंदाजा लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो गाँव की गर्मी सीजन 3 पार्ट 1 में तो हम लोग को कुछ देखने को उतना मतलब कि खास देखने को नहीं मिला। लेकिन देखिए अगर पार्ट 2 में माही कौर आती है, माही कौर के साथ कुछ सीन एरोटिक सीन्स कुछ इंटीमेट सीन देखने को मिलता है तो अच्छा है, अदरवाइज ये भी जो है फॉलोअप करेगा। बाकी हम लोग को तो पसंद आता नहीं है, ये उल्लू वाले जो है ना खूब उल्लू ही बना रहे हैं। ठीक है, बाकी यदि आप लोग जाइए देखना चाहते हैं तो देखिए, यदि देख लिए हैं तो बताइए आप लोग को कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए यही छोटा सा रिव्यू था। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्त एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग को न्यू अपकमिंग वेब सीरीज का अपडेट लेकर आऊंगा, या फिर आप लोग को बताऊंगा कोई भी मूवी हो कोई भी वेब सीरीज हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज डेट कब तक आने वाली है, क्या क्या होने वाला है, सारा चीज़ का अपडेट मैं आप लोग को देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले हॉट न्यूज रिव्यू के साथ, एप्लीकेशन है अपने वेब सीरीज अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, धन्यवाद।